बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब यानी वो लिफ्ट के बारे में है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर रॉड दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रॉड दिया गया है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या एमएम के रॉड दिए गए हैं, लिफ्ट का साइज़ क्या है और ये अंडरग्राउंड किस लिए बनाया गया है, पूरा डिटेल्स बताता हूँ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने की। सो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो लिफ्ट है यहाँ पर साइज़, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ पार्ट टू में, ये जो है पार्ट थ्री है। यहाँ पे फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेनफोर्समेंट का हाइट भी बताऊँगा यहाँ पे कितना है और स्पेसिंग भी बताऊँगा कितना है और क्या एमएम का रॉड भी है वो भी बताऊँगा और सपोर्टिंग किस तरह से दिया गया है लिफ्ट के लिए वो भी बताऊँगा, कितने इंच का वॉल आएगा वो भी बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम बताता हूँ। ये कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉलम जो है 21 इंचेस का है यहाँ पे विथ कॉन्क्रीटिंग के साथ 21 इंचेस। तो यहाँ पे जो बार्स दिए गए हैं कॉलम में आप देख सकते हैं 16 mm के टोटल 2, 4, 6, 8, 10 बार दिए गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं 10 बार यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो है बार्स देख सकते हैं यहाँ पर 10 बार्स दिया गया है और ये जो है यहाँ पे जो टाइस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे डबल रिंग प्रोवाइड किया गया है, डबल टाइस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक जो है कम्प्लीटली कवर कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वाला जो है यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा कवर कर रहा है 10 बार्स को, नंबर ऑफ़ रॉड्स या फिर नंबर ऑफ़ जो रॉड्स है 10 रॉड्स को यहाँ पर पूरा मुकम्मल कम्प्लीटली कवर कर रहा है। और एक देख सकते हैं इसके बाजू में है सो वो पूरे को भी कर रहा है और जो सेंटर की जो मिडल की जो 3 बार देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मिडल के यहाँ पे 3 बार देख सकते हैं उसको टाई से कवर कर रहा है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉरिक है यहाँ पे, फिर छोड़ेंगे फिर यहाँ पे आपको टाई के साथ मिलेगा, मिडल में जो बार्स है नंबर ऑफ़ बार्स 3 उसको पूरा कम्प्लीट करेगा, कवर अप करेगा और एक सेकेंड जो रिंग है टाई है वो पूरा उनको कवर करेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक को करेंगे, दो को छोड़ देंगे फिर आएगा, फिर उसके बाद दो को छोड़ देंगे फिर आएगा, इसी तरह से। और इसका जो हुक है कितना देना चाहिए, जैसा कि हम हुक बोलते हैं वो 90 देना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि इसको हम हुक बोलते हैं ये वाला, और इसमें कुछ करेक्शन रहेगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इसको बेंड किया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसको बेंड किया गया है, इसको अगर हम 45 डिग्री पे इसको बेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर जाएगा हुक। एक्चुअल में ये जो हम इसको जो बेंड करते हैं ये और थोड़ा से अंदर से अगर बेंड होगा, इधर से बेंड होगा तो उसको जो ग्रिप्स जो मिलता है उसको बॉन्डिंग और बेटर रहेगा और प्लेट लगाने के लिए भी आसान है, ऐसा में भी चलेगा। ओके, इट्स नॉट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, मगर बेटर रहेगा कि इसको हुक यहाँ से, और जैसा कि 35 डिग्री होता है 45 डिग्री पे इसको बेंड करते हैं, यहाँ से बेंड करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा बेंड करते हैं, उसी तरह से लेंगे तो और बेटर रहेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एक यहाँ पर बेंड हो रहा है तो दूसरा अल्टरनेट होना चाहिए, यहाँ पर एक आना चाहिए और एक अल्टरनेट दूसरे कॉर्नर पे आना चाहिए, सभी एक ही लाइन में ये नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बाइंडिंग वायर भी बांधा गया है बहुत अच्छे से यहाँ पे बांधा गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बाइंडिंग वायर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कॉलम्स का यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हो चुका है, जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें कॉन्क्रीटिंग नहीं हुआ था, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, जो आज की जो हमारी वीडियो है टुडे की, यहाँ पर सबका कॉन्क्रीटिंग हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट वहाँ जैसे कि सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक का जो रॉड है उसका भी कॉन्क्रीटिंग नहीं हुआ, उसका शटरिंग अभी नहीं लगाया है, मैं बताता हूँ इस वीडियो में। बने रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसका शटरिंग नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर इसका कॉन्क्रीटिंग नहीं होगा,
यहाँ पे शटरिंग लगाएंगे इनसाइड, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग हो जाए। मगर कल एक चीज़ आपको मैं नहीं बताया था, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कल की वीडियो में। मैं आपको सेफ्टी टैंक का खाली एक ऊपर से सपोर्टिंग के लिए एक बार दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टिंग के लिए एक बार दिया गया था, मगर आज की वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट अंदर वहाँ पर रिंग दिए हैं, टोटली रिंग बोल सकते हैं और टाइज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर दिया है और रिंग से टाइट और सॉरी यहाँ पे बेंडिंग वायर से टाइट भी किया है। जूम करता हूँ, देख सकते हैं बेंडिंग वायर से यहाँ पे टाइट भी किया है। दी स्पेसिंग ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर, 150 mm बार क्या है यहाँ पे, 10 mm का बार है सेफ्टी टैंक के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैश है रेडी हो चुका है। अब इसको बाकी की जो पेंडिंग जो काम है वर्क है, यहाँ पे शटरिंग का काम बैलेंस है, यहाँ पे शटरिंग लगा देंगे इसको। शटरिंग लगाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम कास्टिंग नहीं हुआ था मेरी प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे कॉलम कास्टिंग में यहाँ पे कॉलम का कंक्रीटिंग भी हो चुका है। इसको शटरिंग लगा के यहाँ पे इसका कंक्रीटिंग कर देंगे, ये तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये जो वर्क है अंडर प्रोग्रेस है, और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी एरिया यहाँ पे है, ये वो जो एरिया है देख सकते हैं पार्किंग के लिए रैम बन जाएगा, इस तरह से रैम बन जाएगा। और ये अंडरग्राउंड किस लिए बना रहे हैं, जो बिल्डिंग ओनर है ये जिम के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ जिम मे बी, ओके जिम के लिए। एंड देन वहाँ पे जो लिफ्ट है, लिफ्ट भी देख सकते हैं वहाँ पे लिफ्ट, एंड उस राउंडिंग में स्टेयरकेस भी आएंगे, राउंडिंग में वो जो एरिया है लिफ्ट का है। तो आज की जो वीडियो है हमारी लिफ्ट की थी, मैं बताता हूँ इस वीडियो पे बने रहिए, इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो बार्स दिए गए हैं, फर्स्ट में बार्स के बारे में बोलता हूँ, साइज़ भी बोलता हूँ। जो बार्स दिए गए हैं यहाँ पे 10 mm के बार्स दिए गए हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिफ्ट के लिए यहाँ पे जो बार्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बार्स हैं, यहाँ पे 10 mm के यहाँ पे बार्स दिया गया है लिफ्ट के लिए, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 mm के जो बार हैं यहाँ पे, 10 mm के जो रॉड हैं यहाँ पे, कितने दिया गया है यहाँ पे 150 mm सेंटर टू सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ऑफ बार दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। और उसको एक सपोर्टिंग दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, केस्टेड रहा है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से झुक जा रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। तो उसको करना क्या चाहिए बोल तो, एक्चुअली जैसा कि नीचे एक सपोर्ट दिया गया है वैसे ही सपोर्ट होते हुए ऊपर तक आएगा, पूरा मेश रेडी होगा, उसके बाद इसका भी क्या होगा यहाँ पे कॉन्क्रीट वॉल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टिंग किस तरह से दिया गया है, सभी जगह से सपोर्टिंग दिया गया है कि ये स्ट्रेट ठहरना बोल के। वहाँ पे भी पोल से दिया है देख सकते हैं, वहाँ पे भी कॉलम के स्ट्रक्चर के पास वहाँ पे लकड़ी से वहाँ पे सपोर्टिंग दिया गया है, और वहाँ पे रॉड से सपोर्टिंग दिया गया है, और नीचे मार्किंग भी किया है। थ्रेड बता सकता हूँ आपको, तागा देख सकते हैं यहाँ पे, तागा आपको दिख रहा है, वहाँ पे मार्किंग भी किया है स्ट्रेट लाइन के लिए। और यहाँ पे इसका बेड हो चुका है, जैसा कि मैं आपको फुटिंग का मार्किंग बताया था प्रीवियस वीडियो में किस तरह से उसका मार्किंग होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग जो वर्क है यहाँ पे डन हो चुका है। और इसका जो हाइट है यहाँ पे, जो इसका यहाँ पे मैं ऐसा मोबाइल को पोर्ट्रेट करता हूँ, जैसा कि आप हाइट देख सकते हैं, इसका जो टोटल हाइट है यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, 12 to 15 feet बोल सकते हैं, यहाँ से लेके 12 to 15 feet, इन बिटवीन 12 to 15 feet यहाँ पे इसका हाइट देख सकते हैं आप रॉड का। तो उसको कम्प्लीटली, इसको अभी जो वर्क है यहाँ पे बैलेंस है, अभी इसको यहाँ पे रिंग्स आएंगे, मतलब टाइस आएंगे, टाइस से कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करने के बाद उसके ऊपर क्या आएगा, शटरिंग करेंगे। शटरिंग करके 125 mm टू 150 mm का यहाँ पे कास्टिंग करेंगे वॉल, रिटेन वॉल बोल सकते हैं, कंपाउंड वॉल बोल सकते हैं फॉर दी कॉन्क्रीट वॉल का। तो इस तरह से आज की वीडियो थी, ये यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है, ओके। इस तरह से जो लिफ्ट के यहाँ पे डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ। तो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी टैंक का यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट दिया गया है, यहाँ पे एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रॉड है, ओके, ये वाला रॉड यहाँ तक कट हो रहा है, ओके, कट हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला रॉड कट हो रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ पे रॉड। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये जो कट यहाँ पे हो रहा है, कट जो हो रहा है यहाँ पे, कट की जगह यहाँ पे ये जो रॉड दिख रहा है यहाँ पे, अगर ओवरलैप हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट लेंथ ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, तो और बेटर रहेगा, क्या रहेगा, और
बेटर रहेगा, मैं यह बोलना चाह रहा हूँ आपको। जैसा कि ये जो है 10 mm का बार यूज़ किया गया है यहाँ पे, वर्टिकल में 10 mm का बार यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हॉरिजेंटल में ऐसे में दोस्तों लेंथ में 8 mm का दिया गया है, और यहाँ पे जो सपोर्ट के लिए 10 mm का दिया गया है, बाकी की 8 mm के है। जहाँ पे भी हम कट सेक्शन होता है वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देंगे, मतलब इस एल इस तरह से ये जो रॉड है इसको इस तरह से बेंड करेंगे, और ये जो रॉड आ रहा है ऊपर का इसको इस तरह से यहाँ पे बेंड करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी जो लिफ्ट का पोर्शन है उसमें भी इस तरह से करेक्शन करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी तो वहाँ पे मेश जो रेडी नहीं किया है, देख सकते हैं, बताता हूँ इस वीडियो में, बने रही इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लिफ्ट का पोर्शन में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे एक रिंग दिया गया है एक सपोर्टिंग के लिए, फॉर वर्टिकल स्ट्रक्चर ठहरने के लिए, स्टैंड करने के लिए यहाँ पे ये वाला रिंग दिया गया है। अगर हम नीचे से 150 mm या 125 mm पे टाइज डाल लेते हैं आएंगे, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट लेंथ होना ज़रूरी है, मतलब एल टाइप में जो बेंड होता है जहाँ पे कॉर्नर पे जो रॉड कटिंग होता है वहाँ पे कटिंग नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा 2 फीट इधर ये कॉर्नर पे, एक्स्ट्रा 2 फीट वो कॉर्नर पे, इसी तरह से रहेगा तो बेटर रहेगा। जैसे कि कॉलम्स में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लिए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स में किस तरह से ये लिया है यहाँ पे, जैसा कि हुक बोलते हैं, उसी तरह से हम सेफ्टी टैंक हो या फिर लिफ्ट हो उसी वहाँ पे भी इस तरह से बेंड करना चाहिए 2 फीट 2.5 फीट ये साइड में और ये साइड में, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, वैसा रहेगा तो बेटर रहेगा। और स्पेशली कॉलम्स के लिए जो रॉड्स रहेंगे ओवरलैपिंग रहेंगे वो ऊपर नीचे रहना चाहिए फॉर दी ओवरलैपिंग पर्पस, फॉर दी स्ट्रेंथ पर्पस, बिकॉज इफ यू आर प्रोवाइडिंग दी अप डाउन दी रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम्स, द स्ट्रेंथ एंड द capacity of ability of the column is greater than the straight overlapping column। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम स्ट्रेट में हम ओवरलैपिंग करते हैं उसमें क्या है लाइफ टाइम की जो वैलिडिटी होती है वो कम हो जाएगी, अगर आप ऊपर नीचे अप डाउन में ओवरलैपिंग करेंगे विद जॉगल देके ओवरलैपिंग करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद की वीडियो कैसी लगी, आज की जो वीडियो थी हमारी लिफ्ट के बारे में थी, मैं लिफ्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हूँ और यहाँ पे कॉलम्स का रेनफोर्समेंट के जो डिटेल्स होते हैं रॉड्स के बारे में भी आपको बताया हूँ, और सेफ्टी टैंक का जो वर्क था यहाँ पे वो भी बताया हूँ। अभी यहाँ पे वर्क जो है बैलेंस है, अभी कितना बैलेंस रहेगा इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल वो कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा, और इसमें जो करेक्शन है वो भी मैं बताया हूँ। तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली अवर ब्यूटीफुल एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर एंड फ्रेशर सिविल इंजीनियर, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो एंड ऑल वीडियो, यू कैन कमेंट इन ए कमेंट सेक्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन इज देयर इन यूट्यूब, यू कैन कमेंट इट फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेटेड वीडियो एंड फ्यूचर वीडियोज, यू कैन कमेंट इट एंड ऑल्सो सपोर्ट अवर यूट्यूब चैनल फॉर 10K सब्सक्राइबर एंड ऑल्सो हेल्प फॉर द fresher civil engineer, so inshallah as soon as possible we will meet in new video, we will see you in new video, Allah Hafiz doston, take care yourself, bye bye.